आज मैं दोस्त यूपीएक में पढ़ेंगे सेकेंडरी अमाइन का चैप्टर आपका दोस्त अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन को हम दोस्त 2 डिग्री अमाइन भी कहते हैं। देखिए दोस्त सबसे पहले जानेंगे ये यूपीएक नेम क्या होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को हम लोग यूपीएक नेम बोलते हैं। जहां पर आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाई, सी का मतलब केमिस्ट्री होता है। तो दिया गया कंपाउंड का यूपीएक नेम इतना है। देखिए दोस्त ये हमारा NH फंक्शनल ग्रुप है। NH फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन के राइट साइड में एक कार्बन है, लेफ्ट साइड में एक कार्बन है। तो दोनों तरफ कार्बन का संख्या इक्वल है तो आप किसी भी कार्बन को प्रिंसिपल चेन यहां पर ले सकते हैं। तो फिलहाल हम तो लेफ्ट कार्बन को ले रहे हैं प्रिंसिपल चेन। तो अब ये जो बच गया, ये बच गया हमारा ब्रांच, और ये जो ब्रांच है CH3 है। CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं और यह मिथाइल N पर लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड को ब्रांच के रूप में बोलेंगे N मिथाइल। ये हो गया ब्रांच का नाम। अब तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा मी, तो यहां पर लिख दिए मी। और सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हम एन। और ये हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम के अंत में लिख दिए अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यूपीएक नेम हो जाएगा आपका एन मिथाइल मिथेनामाइन। नेक्स्ट कंपाउंड में देख सकते दोस्त कि 2 डिग्री अमाइन के राइट साइड में लगा हुआ इथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में भी लगा हुआ इथाइल ग्रुप। तो दोनों तरफ कार्बन का संख्या इक्वल है तो आप आइदर ऑफ साइड प्रिंसिपल चेन को ले सकते हैं। तो फिलहाल हम दोस्त प्रिंसिपल चेन लेफ्ट वाले कार्बन को ले लें। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। अब ये ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बच जाएगा ब्रांच। तो दो कार्बन की अल्काइल को ब्रांच के रूप में बोलते हैं इथाइल, लेकिन ये इथाइल एन पर लगा हुआ है। तो ब्रांच के रूप में इस कंपाउंड का नाम हो गया एन इथाइल। और दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा हमारा दोस्त ई, तो यहां पर लिख दिए हम ई। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। यहां पर लिखिए हम दोस्त N, और ये हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम के अंत में लिखिए अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यूपीएक नेम हो जाएगा आपका N इथाइल इथेनामाइन। अब दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। देखिए दोस्त अमाइन फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में लगा हुआ इथाइल ग्रुप। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्त कि कार्बन का संख्या लेफ्ट साइड में ज्यादा है तो प्रिंसिपल चेन हो जाएगा हमारा लेफ्ट वाला कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दो कार्बन का चेन। अब ये जो CH3 ग्रुप है वहां पर यह ब्रांच, और CH3 को ब्रांच के रूप में बोलते हैं मिथाइल, लेकिन ब्रांच को जब भी लिखते हैं तब पोजिशन नंबर के साथ लिखते हैं। तो एन पर मिथाइल ग्रुप है तो सबसे पहले ब्रांच के रूप में लिखिए दोस्त एन मिथाइल। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ई। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए एन। और देखिए दोस्त ये हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो नाम के अंत में लिखिए हम अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया आपका एन मिथाइल इथेनामाइन। यहां पर देखिए दोस्त प्रिंसिपल चेन देखिए राइट साइड में लगा हुआ इथाइल ग्रुप 2 डिग्री अमाइन के और लेफ्ट साइड में लगा हुआ आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप में कार्बन का संख्या ज्यादा है तो आइसोप्रोपाइल को बनाएंगे प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये बन जाएगा ब्रांच। तो दो कार्बन की अल्काइल को ब्रांच के रूप में बोलते हैं हम दोस्त इथाइल।
और यह इथाइल ग्रुप एन पर लगा हुआ है तो ब्रांच का नाम हो जाएगा एन इथाइल। तो यहां पर ब्रांच के रूप में लिखिए दोस्त एन इथाइल, तीन कार्बन के लिए, रूट वर्ड हो गया आपका प्रॉप। तो यहां पर लिख दिए हम प्रॉप, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। तो यहां पर लिखिए दोस्त एन, और देख सकते दोस्त दो नंबर पर लगा हुआ अमाइन ग्रुप, तो यहां पर लिखेंगे तो टू अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यौगिक नेम हो जाएगा आपका एन इथाइल प्रोपेन टू अमाइन। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में यूपेक नेम 2° अमाइन का खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकता।